राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के महिला टीचर के कपड़े को लेकर विवादित बयान के बाद सियासी बवाल छिड़ गया है। दिलावर के बयान का अब विरोध होने लगा है। दिलावर ने कहा कि कई शिक्षिका अच्छे कपड़े नहीं पहनकर जाती, वो पूरे शरीर को दिखाकर चलती हैं, जिससे बच्चों पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। वहीं आज मंत्री दिलावर ने जोधपुर में विवादित बयान पर सफाई दी। दिलावर ने कहा कि शिक्षकों को भी संस्कारवान होना पड़ेगा। छोटे कपड़े पहनकर शिक्षक स्कूल नहीं आए तभी वो आदर्श बनेंगे। बच्चों के सामने आदर्श बनकर आने से बच्चे शिक्षकों का अनुसरण करेंगे। देखता हूँ जो अच्छे कपड़े नहीं पहनती, पूरा शरीर दिखा करके और स्कूल में जाती है तो हमारी बच्चियों पर बच्चों को उसका हमारी यदि दृष्टि ठीक नहीं तो बच्चे सब देखते हैं और बोलचाल ठीक नहीं, व्यवहार ठीक नहीं, यदि बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा करते हैं या फिर हम हमारा वस्त्र ठीक पहन के नहीं आते, कम पहन के आते हैं, जैसे ऐसा लगे कि जो ऐसा लगे कि जैसे आधे कपड़े पहने हुए हैं, आधा बदन दिख रहा है, तो उससे बच्चों पर संस्कार नहीं पड़ेंगे। अपने आप को संस्कार देने के लिए अपने आप को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा।